राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की हमीरपुर की बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य सुनील शर्मा बिट्टू ने शिरकत कर आगामी रणनीति तैयार की। इस अवसर पर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मजबूती से काम करने के लिए संगठन के सदस्यों को टिप्स दिए गए, साथ ही रणनीति बनाकर काम करने के लिए आह्वान किया गया। बैठक में सेवादल संयोजक मदन लाल कौंडल, विक्रम सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य सुनील शर्मा ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मजबूती से काम करने के लिए संगठन के सदस्यों को टिप्स दिए गए हैं, साथ ही रणनीति बनाकर काम करने के लिए आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में किस तरह से कांग्रेस को बढ़त दिलाई जाए, इस पर भी चर्चा की गई। आज जिला राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विक्रम शर्मा जी ने की। इसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेतागण, राजीव गांधी संगठन के अहदेदार शामिल हुए और इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस को मजबूत करने की बात हुई। इसमें मुख्य रूप से आने वाले लोकसभा चुनावों के मजबूती के लिए काम करने की बात हुई और इसमें विक्रम शर्मा जी ने अपने संगठन के सभी साथियों को ये आग्रह किया कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमें एक मजबूत रणनीति बनानी है और हमने जो मतदाता है, जो गांव के हमारे लोग हैं, वहां तक हमने पहुंचना है ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित की जाए। और इसके साथ ही सेवा दल के प्रधान मदन कौंडल जी ने सभी, वो भी इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि के ऊपर जिला सेवा दल कांग्रेस जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से, सेवा दल की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, सभी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया कि कल पुण्यतिथि के ऊपर आकर के ब्लड डोनेशन कैंप में सहयोग करें।